हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं आपकी सब्जेक्ट ME303 जो कि हीट ट्रांसफर एंड थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। पिछले वीडियोस में हमने देखा, हमने डबल पाइप हीट एक्सचेंजर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हीट एक्सचेंजर पे कैसे फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया था वो आपने देखा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। उसके थ्रू हमें पता चला कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होगा और जो रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीज बाय हॉट फ्लूड होगी वही इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ एंथैल्पी गेन बाय कोल्ड फ्लूड। उसके बाद हमने टेम्परेचर प्रोफाइल्स देखी पैरेलल फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए। अब उसके बाद एक टॉपिक हमने छोटा सा स्टार्ट किया था, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या था वो मीन टेम्परेचर डिफरेंस? मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा टी है, जो हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, वो हर बार एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो उसी के लिए हमें एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा जिसका क्या है नाम, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारे उस जो वेरिएशन है उसको कंसीडर करते हुए एक ऐसा पैरामीटर लाता है जिसे डायरेक्टली हम लोग हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो उसी पैरामीटर को आज हम डेराइव करने जा रहे हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। जैसा कि आप सबको जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कि उसमें जो दोनों फ्लूड होते हैं, जो हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो हम एक बार फिर देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है जिसमें आप देख पा रहे हैं हॉट फ्लूड यहाँ फ्लो कर रहा है, सेम ही डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूड फ्लो कर रहा है, उनके बीच में एक वॉल ऑफ सेपरेशन है। टेम्परेचर जो है हॉट फ्लूड का इनलेट का THI है, आउटलेट का THE, और कोल्ड फ्लूड का इनलेट है TCI और कोल्ड फ्लूड का आउटलेट है TCE। अब हम यहाँ पे नीचे हमने जो है किया है वो टेम्परेचर प्रोफाइल उसका ड्रॉ किया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हॉट फ्लूड का टेम्परेचर पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में डिक्रीज होता जा रहा है और कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। वही टेम्परेचर डिफरेंस है इनलेट पे, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हमने डेल्टा टी आई नाम दिया है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे डेल्टा टी आई, और आउटलेट पे जो है उसे दिया है डेल्टा टी ई। अब हम बात करते हैं कि हमें पूरी हीट एक्सचेंजर के लिए जो LMTD निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया dA ले रहे हैं हम यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है dx है, और इसका जो हीट ट्रांसफर है इस एरिया के थ्रू वो हो रहा है dQ, कहाँ से, हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड में। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये dA हमारा एरिया हो गया, ये dx की लेंथ है इसकी। अब जब इसमें हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं तो हॉट फ्लूड का जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो आता है dTH, जो कि ये दिखा रखा है, और कोल्ड फ्लूड का जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो आता है dTC, ये आपको दिख रहा है। m.h आपका मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड है, m.c आपका मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड है। सब चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो जो dQ है, जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है इस डिफरेंशियल एरिया से, वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। वो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यू इंटू डेल्टा टी इंटू dA। अब यहाँ पे dA क्या है, देखिए dQ स्मॉल एरिया, उसकी लेंथ तो dx है, और एक चीज और हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको कि जो विड्थ हम लोग ले रहे हैं हीट एक्सचेंजर की, वो हम लोग कितनी ले रहे हैं, बी, कैपिटल बी। तो जो एरिया हमारा बन जाएगा बी इंटू dx। अब इसे ही हम ऊपर वाली हमारी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो dQ की वैल्यू बन जाएगी u डेल्टा टी bdx। अब वही जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, एट x इक्वल टू जीरो पे हम लोग बात करें तो डेल्टा टी किसके बराबर है, डेल्टा टी आई के बराबर। और डेल्टा टी आई का क्या मतलब है, THI माइनस TCI। कैसे देख सकते हैं हम टेम्परेचर प्रोफाइल से, टेम्परेचर प्रोफाइल में आप देखिए एट x इक्वल टू जीरो क्या है, ये है इनलेट कंडीशन। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी आई है वो ये बन रहा है THI माइनस TCI। सेम इसी तरह से अगर हम लोग एग्जिट पे बात करें तो क्या बन रहा है x इक्वल टू L पे, THE माइनस TCE, वो बन रहा है डेल्टा टी ई। तो ये ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख रखा है एग्जिट कंडीशन x इक्वल टू L पे डेल्टा टी ई, डेल्टा टी ई क्या बन गया, THE माइनस TCE। अब हीट बैलेंस इक्वेशन जो हमने क्लास क्लास में पढ़ी थी उससे आप लिख सकते हैं, जो स्मॉल dQ है उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ m.h Cph dTH इक्वल टू प्लस ऑफ m.c Cpc dTC। देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन आया है, ये क्यों आया है, ये माइनस साइन ये हमें शो कर रहा है कि जब हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो हॉट फ्लूड का टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, और ये कोल्ड फ्लूड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव ही साइन आएगा। तो इसे हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब बात करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी हमेशा से वही है, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर टी एच माइनस कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर टी सी। अब इस को अगर डिफरेंशिएट करें हम, डी ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू डी टी एच माइनस डी टी सी। अब डी टी एच एंड डी टी सी हमारे पास कहीं और भी हैं, इक्वेशन वन पे जाएंगे हम लोग। इक्वेशन वन से क्या करेंगे हम लोग, डी टी एच और डी टी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डी ऑफ डेल्टा टी हमारे पास बन जाता है माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन एम डॉट एच सी पी एच माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन एम डॉट सी सी पी सी। आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ डी क्यू आप देख सकते हैं दोनों जगह सेम है, तो उसे हमने कॉमन ले लिया है, और ये ब्रैकेट में हमारे पास दोनों टर्म पॉजिटिव में आ चुके हैं, वन अपॉन एम डॉट एच सी पी एच प्लस वन अपॉन एम डॉट सी सी पी सी। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं डी क्यू की। डी क्यू हमने निकाला था, वहां पे क्या निकला था हमारा डी टी, यू बी डी एक्स डेल्टा टी सबसे पहली जो इक्वेशन थी वहां से हमने ये डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आगे है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक डेल्टा टी वेरिएबल है हमारे पास, एक डी एक्स वेरिएबल है हमारे पास, और हमें इंटीग्रेट करना है पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल है उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टी वाले जो है उन्हें हम एक साइड लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, और डी एक्स वाले को राइट साइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ऑफ यू बी वन अपॉन एम डॉट एच सी पी एच प्लस वन अपॉन एम डॉट सी सी पी सी इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड में और लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट वही लगेगी हमारी, हम जानते हैं कि इधर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की लिमिट x इक्वल टू जीरो पे कितनी थी डेल्टा टी आई, और x इक्वल टू एल पे डेल्टा टी ई, तो वो लिमिट लगा दी हमने। इस बार हमने ये माइनस साइन भी इधर ले लिया है क्योंकि ईजी रहेगा इधर से इसे सॉल्व करना। और यहाँ पे जो क्या है डी एक्स वेरिएबल है, x की वैल्यू तो जीरो से एल ही रहेगी, तो वो हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे। अब जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ln ऑफ डेल्टा टी आएगा, ln ऑफ डेल्टा टी, और लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी आई से डेल्टा टी ई की, तो ये आएगा ln ऑफ डेल्टा टी ई वाई डेल्टा टी आई। लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन था उसकी वजह से ये जो सिक्वेंस है ये चेंज हो जाएगा, और डेल्टा टी आई ऊपर आ जाएगा और डेल्टा टी ई नीचे आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड का हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि u भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, एंड ये टर्म भी कांस्टेंट है। तो हमारा इकलौता जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा dx का, वो होगा dx का इंटीग्रेशन x, और उसकी लिमिट जब लगेगी 0 से l तो वो लगेगी l। तो ये बन जाएगा हमारे पास u b l 1 अपॉन m डॉट h c p h प्लस 1 अपॉन m डॉट c c p c। ठीक है, अब लेकिन एक चीज और हम जानते हैं, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो b इनटू l क्या है, b इनटू l जो है हमारा टोटल हीट ट्रांसफर एरिया है, तो उसे हम a लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने u b इनटू l को क्या कर दिया, a लिख दिया, और बाकी इक्वेशन एज इट इज सेम है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वही हीट बैलेंस इक्वेशन जो हमने कल पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर टोटल हीट ट्रांसफर की इस बार बात करें हम लोग पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए, तो वो क्या बनेगा, m डॉट h cph thi माइनस the, ये दोनों हॉट फ्लूड के इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, और m डॉट c cpc। अब देखिए ये यहाँ पे उल्टा आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को पहले ही चेंज कर दिया है, tce माइनस tci कर दिया है। इसे हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर टू से हम लोग ये जो हमारी टर्म है m डॉट h cph और m डॉट c cpc इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं वन अपॉन में। तो अगर यहां से मैं निकालू वन अपॉन में m डॉट h cph की वैल्यू, तो वो बन जाएगी thi माइनस the अपॉन q। सेम इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगी tce माइनस tci अपॉन q। तो यहां से हम लोगों ने देखिए u a कॉमन है हमारा, ब्रैकेट में लेके हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है, हमें ये एक्सप्रेशन मिला है। अब इस बार हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में q कॉमन है नीचे, तो दोनों से q हमने बाहर निकाल लिया और ये टर्म हमारे पास बन गया। अब देखिए हम इन्हें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, thi यहाँ पे था, tci यहाँ पे था माइनस में, उन्हें हमने एक साथ लिया, फिर एक माइनस साइन यहाँ पे लेके the माइनस tce लिख दिया। अब आप देखिए ये है क्या टर्म, thi माइनस tci। एक बार हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल्स में देखते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल में जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या है thi और माइनस tci,
यही टर्म बन रहा है हमारा डेल्टा टी आई, जो इनलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस था। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी उसकी जगह डेल्टा टी आई। इसी तरह से सेम टी एच ई माइनस टी सी क्या बनेगा हमारा, एक्स इक्वल टू एल जो कि है हमारा एग्जिट, वहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बनेगा डेल्टा टी ई। तो यहां से अब आप देख सकते हैं सिंपली हमारे पास Q मिल गया है यू ए डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाय ln ऑफ डेल्टा टी आई बाय डेल्टा टी ई। ये हमारा हीट ट्रांसफर का इक्वेशन आ चुका है। अब इससे हमें क्या निकालना है, जैसे कि हम जानते हैं Q इक्वल टू यू ए ln TD होता है, तो वही हमें LMTD चाहिए था। LMTD हमारे पास क्या बन गया है, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाय ln ऑफ डेल्टा टी आई बाय अपॉन डेल्टा टी। अब LMTD क्यों बोला, हम तो अब तक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहे थे, लेकिन अब तक ये L क्या है, ये L क्या है, log है, ये log मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो log मीन टेम्परेचर डिफरेंस इसे क्यों बोला गया, क्योंकि जो इसका एक्सप्रेशन है वो लॉगरिथमिक आया, इसका जो वेरिएशन आएगा वो भी लॉगरिथमिक आएगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला इसे, log मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया है वो आ गया है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब इसी तरह काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग जो डेराइव करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत ही सिमिलर डेरिवेशन है तो आप लोग इजिली समझ सकते हैं। अगर आप एक अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा आपको इजिली आ जाएगा। तो आज के लिए मेरा लेक्चर में इतना ही है, आज हमने पढ़ा LMTD एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। Thank you, students.